आज मैं आपको मखमली बेसन की सब्जी बनाने सिखा रही हूँ। तो आप सोचने लगी ये मखमली और बेसन की सब्जी, क्योंकि आप सबको मालूम है कि राजस्थान में गट्टे की सब्जी बनती है, पर वो कहीं से भी मखमली तो नहीं होता। और यूपी बिहार में भी एक सब्जी बनती है बेसन की, उसको हम लोग बेसन का सालन बना बोलते हैं। उसी में एक ट्विस्ट डालूंगी और बेसन की सब्जी आज मैं आपको सिखाऊंगी जो आपके मुंह में डालते ही घुल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। उसको बनाने के लिए चाहिए बेसन, बेसन की सब्जी है, टोमेटो प्यूरी। यहाँ पे मैंने प्याज का पेस्ट लेने के बदले प्याज को फ्राई करके पेस्ट बनाया है। हींग, तेल, नॉर्मल तेल, मस्टर्ड ऑयल, राई, चिली फ्लेक्स, किचन किंग, हल्दी, अदरक का पेस्ट, इमली का पेस्ट, जीरा, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया, लहसुन का पेस्ट और स्वाद अनुसार नमक। तो सबसे पहले हम इसका ये बना लेते हैं। मैं नाप के बना रही ताकि आप घर में बना सके। एक बेसन, दो बेसन डाला मैंने और दो पानी भी। पानी हम एडजस्ट करेंगे आगे पीछे, मैं जितना डालूंगी आपको बताती जाऊंगी। उसके बाद इसमें मैं स्वाद अनुसार सब थोड़ा थोड़ा सूखा मसाला डाल देती हूँ, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून, सब हाफ हाफ टी स्पून डालूंगी क्योंकि ऊपर से हम तो टेस्ट डालेंगे ही। किचन की हल्दी, लहसुन का पेस्ट करीब एक चम्मच, नमक, चिली फ्लेक्स डाल दिए, इसे मिर्ची पाउडर नहीं डालिए, नमक स्वाद अनुसार। और एक विस्कर लेकर के इसको अच्छे से विस्क कीजिए या कोई चम्मच से भी ले लीजिए। तब तक आप ऐसा कीजिए, थोड़ा सा सरसों तेल में गरम कर लीजिए, इसमें करीब दो टेबलस्पून। थोड़ा सा आप हल्दी डाल सकती हैं, थोड़ा और, थोड़ा कलर के लिए। हाफ डाला था मैंने, अभी हाफ और डाल दी। थोड़ा गरम होना दीजिए, यहाँ पे भी मैं गरम करने चढ़ा देती हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा मेरा काम। करीब तीन चार चम्मच। उसके बाद जब आपका तेल गरम हो जाएगा तो थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, करीब हाफ टी स्पून। उसके बाद ये जो आपने घोल बनाया है और इसमें एक ट्विस्ट डालिए, हरा धनिया डाल के अंदर। ज्यादातर हम सजाने में डालते हैं, ये हम अंदर डाल रहे हैं। उसके बाद जो ये तड़का बनाया है आपने, इसमें डाल दीजिए कढ़ाई में। और इसको हम ठीक कर लेंगे।
लगातार चला के। इसको आपको तब तक चलाना है जब इसका साइड छूटने लगेगा। आपने देखा होगा कि मैंने थोड़ा सा तेल उधर गरम करने दी हूँ, तो जब तक ये तेल गरम हो रहा है इसका भी प्रोसेस साथ ही साथ, जैसे हम लोग किचन में दो काम इकट्ठे करते वैसे आप कर सकती हैं। अगर जब ये तेल गरम हो गया तो थोड़ा सा राई, नहीं हुआ है गरम, हम इंडियन लेडीज मल्टीटास्किंग करते हैं। ये जैसे ये गाढ़ा होगा फिर हमको क्या करना है कि एक आप ऐसा करिए, एक थाली ले लीजिए कोई भी जिसमें घी लगा लेते, या घी या बटर या कुछ भी। उसके बाद जो ये आपने तैयार कर लिया ना बेसन, इसको हम देखिए आप नेचुरली ये साइड निकल रहा है इसका, बहुत अच्छे से निकल रहा है। बंद करके और इसको हम कोई भी थाली में, अगर काउंटर में डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। कई बार तो मैं काउंटर पे ही बनाती हूँ ज्यादातर। उसके बाद हाथ से, या हाथ में ठंडा भी गर्म है तो ठंडा पानी लेके आप थाप सकती हैं कोई भी, इसको पानी लेकर के या करछी से भी। फटाफट उसके बाद हम थोड़ा सा उधर जीरा डालते हैं, और फिर करीब इसमें मैंने नापा हुआ एक कप अनियन पेस्ट, और ये साथ साथ चलता रहेगा। यहां तक आपने देख लिया। उसके बाद हम कोई भी चाकू लेंगे और इसको चाकू से काटेंगे। तब तक एक कढ़ाई में हम और तेल भी गरम कर लेंगे। देखा आपने घाटा मैंने यहाँ ग्रेवी बना दी, और एक कढ़ाई में इसको डाल के तलेंगे बर्फी के। आपकी मर्जी है कि आप कैसा शेप देना चाहती हैं। मैं एक छोटा छोटा चौकोर बनाती हूँ। या नाइस। अभी मैं जब तक ये साथ में ग्रेवी भी बन रहा है तब तक एक कढ़ाई में गरम तेल ले लेती हूँ। इसको जो आपने काटा बनाया है इसको चौकोर शेप दे करके धीरे धीरे उठा के डेलिकेटली गरम तेल में डालिए। आप मखमली बेसन की सब्जी बना रही हैं तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ हम लोग ने अभी तक राई और जीरा का तड़का दिया है और प्याज का पेस्ट डाला है। अब मैं इसमें टमाटो प्यूरी डालती हूँ करीब 1 कप के लगभग। ये 1 कप ही है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अब उस टोमेटो प्यूरी में 2 चम्मच गार्लिक का पेस्ट, 1 एंड 2। जो गार्लिक नहीं खाते वो ना डालें, फिर भी बहुत अच्छा बनेगा। 1 टीस्पून ऑफ अदरक, आप अदरक डालिए। पहले हम लोगों ने मिर्ची चिली फ्लेक्स यूज किया था, अब हम लोग इस बार नॉर्मल चिली पाउडर यूज करते हैं ग्रेवी में। 1
किचन किंग 2 चम्मच, 1, 2, हल्दी 1, इसको थोड़ा सा फ्राई करते हम लोग। ओके, यहाँ साइड में हम लोग ग्रेवी बना रहे हैं साथ ही साथ, उसमें हम पानी डाल देते हैं। 1, 2 और 3। ग्रेवी तो ऐसी चीज है, अपने गाढ़ा, किसी को गाढ़ा चाहिए, किसी को पतला चाहिए, अपने अनुसार बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नमक डाला था कि नहीं, कई बार हम लेडीज बनाते बनाते 2-3 जब स्टेप्स होता है ना तो भूल जाते हैं, तो नमक डालने के पहले बिल्कुल टेस्ट कर लीजिएगा। नमक अपने स्वाद के अनुसार, वेरी नाइस। इस सब्जी में, मखमली बेसन के सब्जी में, मैं 2 चम्मच इमली का पेस्ट भी डालती हूँ। 1 छोटा चाय का चम्मच है, 2, 3। जब आप गट्टा तल लीजिएगा तो इसको खोलने का इंतजार कीजिएगा, और उसमें फिर हम थोड़ा सा ये डालेंगे गट्टा तल के। पहले से भी गट्टा डाल देते हैं। एक बार इसको इसमें आप उबालिए, बहुत सुंदर लग रहा है। कोई भी सुंदर बर्तन ले लीजिए जिसमें आप अपने मेहमानों को खिलाना चाहेंगी। बहुत सुंदर लग रहा है। ब्यूटिफुल। इसको आप किसी भी चीज से गार्निश कर सकती हैं, कटा हुआ धनिया पत्ता, कैबेज से भी ऊपर से बहुत सुंदर लगेगा, अनियन रिंग से भी। तो आपके ऊपर है कि कैसे आप कलरफुल बनाना चाहें। आपका मखमली गट्टे की सब्जी तैयार है, सुंदर लग रहा है। आप ये गट्टे की सब्जी बनाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए, अपने परिवार को खिलाइए, खुद खाइए, और मेरे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।